आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा। आइए एक साथ गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आवाज नहीं आ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 35 में प्रभु का वचन कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होएगा। तो इस वचन के लिए आइए हृदय से प्रभु को हम धन्यवाद दें, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस जीवन रोटी में प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित है, उसके सानिध्य में कुछ समय को बिताने के लिए आज संध्या बेला में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस, वी अडोर यू जीसस, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। स्तोत्र 150 पद संख्या 6 में स्तोत्रकार कहता है, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करो, जो जीवित सभी प्राणी है प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि जो इस जीवन रोटी में जो उपस्थित है वो जीवन देने वाला प्रभु है, चंगाई दाता ईश्वर है, मन और हृदय को शांति देने वाला शांति दाता है, उसकी आराधना करो, उसकी महिमा गाओ, उसकी स्तुति करो। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारे वरदानों से हमें भर दिया है, विशेषकर पिछले 2-2.5 साल से हमने देखा है, जब कोरोना काल था प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा,
हमारे परिवारों को बचाए रखा, हर कदम हर पल प्रभु हमारे साथ रहे, हमारे हाथों को थामे, प्रभु यीशु हमारे साथ रहे। तो प्रभु को हम धन्यवाद दे, जैसे नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्यांश 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठा पूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कार पूर्ण कार्य किए हैं। प्रभु जो एक बार प्रतिज्ञा करता है वो उसे कभी भुलाता नहीं है, वो कभी नहीं भूल जाता। हम मनुष्य भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के राज से भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलता। वो हमेशा अपने वरदानों से हमें भर देता है, अपने चमत्कार पूर्ण कार्य हमारे हर एक व्यक्ति के जो यहाँ पर इस समय यहाँ पर बैठा है, प्रभु के सानिध्य में बैठा है, हर एक के जीवन में वो चमत्कार करता है। तो आइए इन सभी वरदानों के लिए हम धन्यवाद दें जो जीवन रोटी रूप में यहाँ पर प्रभु उपस्थित है, उसको हम सुने। हमारी नजरें इस जीवंत रोटी प्रभु यीशु पर रखें, क्योंकि वो आज हर एक को देख रहा है। आपके हृदय में जो बातें हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो सुनने के लिए वो यहां पर उपस्थित है। जीवंत रोटी के रूप में स्वयं प्रभु ईश्वर प्रभु यीशु हमारे बीच में आज उपस्थित है, वो हमको सुन रहा है, देख रहा है। आइए हम उसकी ओर अपनी नजरें डालें। आज हम आत्मिक रूप से तैयार होने के लिए यहां पर आए हैं, आए कि नहीं? कितने लोग आए हैं जरा हाथ उठाइए। बहुत मुश्किल से कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आत्मिक रूप से तैयार होने के लिए आए हैं? जी हाँ, आए हैं। यस लॉर्ड, प्रभु के सामने साक्ष्य देने के लिए हम पीछे नहीं रहे, प्रभु के सामने साक्ष्य देने के लिए, प्रभु को हां बोलने के लिए कभी हम पीछे ना हटे। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज हम सबको सुनने वाला है, हम सबको आज स्पर्श करने वाला है, भले ही वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, बीमारियां हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, जीवन में डिप्रेशन है, तनाव है, इस प्रभु को देखिए जो इस जीवंत रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। बस उसको देखिए, प्रभु सब कुछ दूर करने वाला है। हम अपने बहुमूल्य समय को प्रभु को दें, ताकि प्रभु हम सबको अपने आशीर्वाद से हम सबको भर दे, अपनी कृपा और अनुग्रह से हम सबको वह अभिषिक्त कर दे। हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें, पूरे तन मन से प्रभु को धन्यवाद दें, और अपने आत्मिक परिवर्तन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम दे, मेरे हृदय की चिंता को निकल कर मुझे भरोसा दे, मेरे जीवन के भय को निकाल कर मुझे धैर्य से भर दे। हे प्रभु, हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता से भर दे, प्रभु मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप दे, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे अपने आनंद से भर दे, मेरे हृदय के निराश को निकाल कर मुझे आशा से भर दे, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अपने अनुकंपा से भर दे। प्रभु, हे प्रभु,
मैं तेरे सानिध्य में आया हूँ, तेरे चरणों तले आया हूँ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता से भर दे, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता दे, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता दे, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य दे, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह से भर दे। प्रभु प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। जितना समय हम प्रभु को देते हैं उससे तीन गुना ज्यादा प्रभु हमको समय देता है। जितना हम प्रभु को समय देने में आलस्य करते हैं, बिजी बोलते हैं, टाइम नहीं है बोलते हैं, उतना ही समय प्रभु हमारा काटता रहता है। तो आज इस पल्ली में जब हम वहां पर मंदिर में बैठे हैं, अपने हृदय के मन की जो भी परेशानियां हैं, तनाव है, उसे भूलकर प्रभु के सानिध्य को अनुभव करें, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि वही जीवन दाता है, आनंद दाता है, चंगाई दाता है, सब कुछ है। और वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जब मां मरियम के जीवन में प्रभु यीशु आए, तब स्वर्गदूत ने ईश्वर का वचन यही कहा, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज प्रभु हमें भी यही कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे जीवन में प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस हमें प्रभु के लिए समय देना है, प्रभु को अनुभव करना है, प्रभु को हमारे जीवन में उपस्थिति को बुलाना है। जब हम अपने परिवार में, अपने घरों में हम प्रभु को स्थान देते हैं तो प्रभु भी हमसे प्रसन्न होता है। तो आइए दिल खोल कर हम सबको, सब लोग खड़े हो जाएं और पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा हम सबको अभिषिक्त करे, अपने अग्नि से हम सबको भर दे। जैसे शिष्यों ने पेंतेकोस्त के दिन अनुभव किया था पवित्र आत्मा को, वही अनुभव पवित्र आत्मा हम सबको प्रदान करे। पवन आत्मा दिल में मेरे आजा, पवन आत्मा। दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, गाएं एक साथ, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन तू कर दे, पावन तू कर दे, 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 पावन आत्मा, पावन आत्मा,
पावनात्मा ओ पावनात्मा। एक साथ गाएं, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा मन में मेरे, मन में मेरे आजा पावनात्मा। बताएं, हाथ ऊपर उठाएं, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, पावनात्मा 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 ओ पावनात्मा। एक साथ गाएंगे जोर से, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा मन में मेरे, मन में मेरे आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, पिंतेकोस्त का अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे, पिंतेकोस्त का अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे, पावनात्मा 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 ओ पावनात्मा। एक साथ गाएंगे, आजा पावनात्मा मन में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा मन में मेरे, आजा पावनात्मा, नूतन तू कर दे पावन तू कर दे, नूतन तू कर दे पावन तू कर दे, पावनात्मा 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 पावनात्मा। आइए मन में प्रभु की आराधना करें जोर से, अपने अपने शब्दों से प्रभु की स्तुति करें और आराधना करें। यीशु मेरी स्तुति हो, मेरी आराधना हो, मेरी महिमा हो, मेरी जयकार हो, यीशु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जयकार हो प्रभु यीशु। हमारे तू ही मार्ग सत्य और जीवन है प्रभु यीशु, तूने हम सबों को यहां पर बुलाया है, अपने आत्मा से अपने आत्मा को हम पर भेज दे प्रभु, अपने आत्मा से भर दे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति और आराधना हो, तेरे जय जयकार हो प्रभु यीशु, पवित्र हो सके, हृदय से निर्मल हो सके यीशु, तेरी स्तुति हो, से प्रभु की आराधना हमने की, प्रभु की उपस्थिति को हम लोगों ने अपने हृदय में महसूस किया, बहुत लोगों ने प्रभु के स्पर्श को अनुभव किया, बहुत लोगों ने चंगाई का अनुभव किया,
सभी वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन हमारी नजर प्रभु यीशु पर रखें, जो हम सबको देख रहा है, हम सबको सुन रहा है। ये मात्र केवल मात्र एक रोटी नहीं है, जीवंत रोटी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, ये मेरा मांस है और मेरा लहू। प्रभु स्वयं इस जीवंत रोटी में उपस्थित है, इसीलिए विश्वास के साथ प्रभु को देखें और प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी गिरजा है, जब हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, गूंजना चाहिए आवाज, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, और जोर से प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग डर रहे हैं कहीं बगल वाला मेरा सुने, शर्म आ रही है किसी को शर्म आ रही है प्रेज द लॉर्ड बोलने में, हालेलुया बोलने में। जोर से प्रभु की स्तुति करें अपने होंठों से, हृदय से, तन मन से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हम लोगों का विषय है, मनन चिंतन का विषय है, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर टू आवर लाइफ। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर टू आवर लाइफ। प्रभु का वचन हमारे जीवन का आईना है, दर्पण है, क्योंकि प्रभु स्वयं हमारे जीवन का आईना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 27 में हम लोग ने पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसने उसे अपने प्रतिरूप बनाया, नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग कभी मेला में गए हैं? आगरा में मेला लगता है, बहुत साल पहले हम लोग भी इधर आए थे जब हम यतमरपुर में पढ़ाई करते थे, तो मेला में आप जब गए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहां कई प्रकार के आईना या दर्पण रखते हैं। एक आईना जो है उसके सामने आप जब जाते हैं तो आपका शरीर एकदम फूलने जैसा लग रहा है, बड़ा लगता है कि नहीं? और एक आईना होता है उसके सामने अगर आप जाते हैं एकदम छोटे लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं दूर खड़े हैं। और तीसरे प्रकार का एक आईना होता है, जब हम उसके सामने खड़े होते हैं जैसे आप हैं वैसे उसमें प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्शन एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, जो है तो उसमें दिखाई पड़ता है। परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल हमारे जीवन का आईना है। परमेश्वर का वचन या बाइबल हमारे जीवन का आईना है। अगर नहीं है तो आज हमें उसे बनाना है। सबके घर में आईना होता है कि नहीं? अब जब खड़े होकर आपको बाल को सवारते हैं, देखते हैं पिंपल्स बड़ा हुआ छोटा हुआ, लिपस्टिक सही लगा है कि नहीं, सफ़ेद बाल है कि नहीं, कहीं दाग है कि नहीं, शर्ट बढ़िया से इंसर्ट किया है कि नहीं, बेल्ट सही पहना है कि नहीं, साड़ी सही से पहना है कि नहीं, आईना आपको दिखाता है, जो आप हैं वो आपको दिखाता है। तो प्रभु को भी हमें अपने जीवन का आईना बनाना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वहां पर हम पढ़ते हैं, आदि मानव का पतन। आदि मानव कौन था? आदम और हेवा थे। ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया, अदन वाटिका में बनाया, तो सबसे सुंदर बगीचा था और सब कुछ दिया उसमें। और एक बात प्रभु ने, परमेश्वर ने उनसे कही, भले बुरे ज्ञान देने वाला पेड़ का फल ना खाओ, भले बुरे ज्ञान देने वाला पेड़ का फल मत खाना।
उससे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 25। वह मनुष्य और उसकी पत्नी आदम और हेवा दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। अध्याय 2 वाक्यांश 25 में पढ़ते हैं, दोनों नंगे थे एक दूसरे के सामने, कभी उनको महसूस नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ कि ईश्वर के सामने इस सुंदर बगीचे में सभी अन्य प्राणियों के सामने वो नंगे हैं, कभी उनको आभास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पवित्र थे, वो पवित्र थे। अध्याय 3 वाक्यांश 9 और 11 में पढ़ते हैं, जैसा ही उन्हें उल्लंघन आज्ञा उल्लंघन का पाप किया, तो वाक्यांश 9 और 11 अध्याय 3 का हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके सामने आता है और पुकार कर कहता है, आदम तुम कहां हो, आदम तुम कहां हो। और उसने क्या जवाब दिया आदम ने, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। जैसे ही ईश्वर परमेश्वर आईने के रूप में उसके सामने आ जाता है, उसकी खमियां, उसके जीवन में जो पाप उसने किया है उसको महसूस होता है और वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए वो कहता है कि मैं नंगा हूं। परमेश्वर कहता है, किसने तुम्हें कहा, किसने तुमको बताया कि तुम नंगे हो, किसने तुमको बताया। अध्याय 2 वाक्यांश 25 में हम लोग ने पढ़ा, नंगे थे कभी उनको एहसास नहीं हुआ, लेकिन अध्याय 3:10 में हम लोग पढ़ते हैं वो डर गए क्योंकि वो नंगे थे। आज पवित्र वचन हमें यही कहता है, हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, वचन को, बाइबल को अपने जीवन का आईना बना दें, और जो सच्चे हृदय से ईश्वर का वचन को सुनता है, अपने जीवन में उसको पालन करता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आईने के रूप में बनकर यही कहता है कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। हम सभी 40 काल में हैं, उपवास करते हैं, उपवास करते हैं कि नहीं, बहुत लोग सिर हिला रहे, मतलब आधा किया है आधा नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो 40 काल में हम लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान धर्म का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब दान धर्म करते हैं तो हम कहां से देते हैं, कहां से देते हैं। पूरे विश्व मंडल की सृष्टि ईश्वर ने किया है तो हम कहां से देते हैं, भले हम यहां से तोड़ के फूल देंगे क्या यह मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन जब उसको हम देते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, है कि नहीं। जो मेरे जीवन में है सब कुछ परमेश्वर का देन है, लेकिन जब हम ईश्वर को देते हैं तो सर्वोत्तम चीज हमें देनी चाहिए, लेकिन हम उसमें भी कंजूसी करते हैं। कुछ लोग पास्टर्स फंड देते होंगे, अच्छी बात है, संडे कलेक्शन में कुछ डालते होंगे, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, फटाफटा नोट को मोड़ के डालते हैं ताकि कोई ना देखे, कहीं नहीं चला तो इधर चला दिया, है कि नहीं। तो हम उसमें भी स्वार्थी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, कंजूसी कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आज का पुराना विधान का वचन आईने के रूप में कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 हम लोग पढ़ते हैं, काइन और हाबिल, प्रभु ने, परमेश्वर ने किसके चढ़ावे को स्वीकार किया, हाबिल का। क्यों? क्योंकि उसने उदारता से अपना सर्वोत्तम जो था वो परमेश्वर को चढ़ाया और प्रभु हाबिल से प्रसन्न हुए। तो आज प्रभु का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश
24 और 25 में हमसे ये कहता है, जो उदारता से दान देता है वह और धनवान बन जाता है। प्रभु का वचन कहता है जो उदारता से दान देता है वह और धनवान बन जाता है, और जो कृपणता से देता है वह दरिद्र या गरीब बन जाता है। हम लोगों ने राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 7 और 16 तक में हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर की वाणी जो है नबी एलिया को सुनाई देती और कहती है, नबी एलिया जाओ सरेप्ता के उस विधवा के पास जाओ, उसे मदद करने सहायता करने, और वहां जाता है उसके पास कुछ नहीं था, बर्तन में थोड़ा सा आटा था, कुप्पी में एक बार का तेल था। वो कहती है प्रभु अगर आज हम इसे बना के खाएंगे तो कल का पता नहीं है, शायद हम मर ही जाएंगे। नबी एलिया कहता है विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। और वो बचा वाला आटा और तेल से एक छोटी सी रोटी बनाकर नबी एलिया को खिलाती है, और वचन कहता है कभी उसके बर्तन में आटा कम नहीं हुआ या उसके कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ईश्वर का वचन आज आईना बनकर हमसे यही कहता है, उधार बनो अपने जीवन में, कंजूसी ना करो। जितना कंजूसी करते हो उतना ही ईश्वर भी कंजूसी करता है आपसे, इसलिए हम उधार बने। हम लोगों से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अपने आप पर घमंड है, स्वार्थी हैं, कभी विकास होता है तो सिर्फ मेरा अपना, मेरा परिवार, मेरा जगह, सब अपना है, मेरा खुद का सब कुछ, दूसरे लोग जाए भाड़ में, कभी दूसरों की चिंता नहीं, सिर्फ हम अपने बारे में ही वे लोग सुनते हैं। और नबी ईश्वर का वचन आईने के रूप में क्या कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 बाबुल की मीनार हम वहां पढ़ते हैं, लोगों ने क्या कहा, आओ हम एक सुंदर सा नगर हमारे लिए बनाएंगे, ईटा पत्थर से नगर बनाएंगे और एक ऐसी मीनार बनाएंगे जो स्वर्ग को छू ले, और हम अपने लिए नाम कमाएंगे अपने लिए। लेकिन क्या हो गया, सब कुछ बिखेर गया, वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे जो एक दूसरे को समझ में नहीं आता था, जो घमंड करता है, जो अपने लिए स्वार्थ के भावना रखता है, प्रभु उनके साथ भी यही करता है। इसीलिए हम हमेशा दूसरों के लिए सोचें, दूसरों की भलाई के लिए सोचें। आगे हम पढ़ते हैं नातान राजा दाऊद के लिए आईना बनकर आता है, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 1, प्रभु की वाणी नातान को सुनाई देती और कहती है जाओ राजा दाऊद के पास और उसे मेरा संदेश दो। नातान राजा दाऊद के पास जाता है और एक कहानी सुनाता है, वो कहानी इस प्रकार है, एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था। धनी के पास बहुत कुछ, गाय बैल सब कुछ था, भेड़ बकरियां सब कुछ था, और गरीब के पास एक ही छोटी सी भेड़ थी, और वो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था, वो बच्चे उसको चराते थे, उसको पिलाते थे, साथ में खाते थे, बैठते थे, सोते थे भी, बहुत प्यार करते थे उस छोटे भेड़ से। लेकिन एक दिन एक धनी व्यक्ति, यही जो धनी व्यक्ति जो है वो आता है और उसकी नज़र उस गरीब की भेड़ पर पड़ती है और उसे छीन कर वो ले जाता है, उसको काटता है, पकाता है और अपने मेहमानों को खिलाता है। तब नातान दाऊद से पूछता है उस धनी व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, उस धनी व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। तब दाऊद एकदम राजा क्रुद्ध होता है, एकदम क्रोध होता है, कहता है उसको प्राण दंड दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को तो दूसरों से छीन कर नष्ट करता है, उसे क्या करना चाहिए, प्राण दंड दिया जाए। तब नातान सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 7 में कहता है वो धनी व्यक्ति राजा
तुम हो। कौन है वो धनी व्यक्ति? कौन है? तुम हो राजा, तुम स्वयं हो, तुमने किया है। तुम राजा हो, तुम्हारे पास सब कुछ था, पत्नियां थी, अन्य पत्नियां भी थी, सब कुछ था, लेकिन तुमने षड्यंत्र रचाकर उरिया की पत्नी को अपना बना लिया, घोर पाप किया है। कभी कभार नातान के रूप में हो सकता है हमारे पल्ली पुरोहित, हो सकता है हमारे धर्म बहने, हो सकता है हमारे पल्ली के ही लोग, हो सकता है हमारे परिवार के जन, हो सकता है हमारे माता पिता हमारे जीवन में आईना बनकर आते हैं। आजकल हम देखते हैं युवा लोगों को, युवा बच्चों को मम्मी पापा की बात नहीं सुनते, बुरा लगता है, कहते हैं मम्मी आई हैव नो फ्रीडम, कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, अभी बड़ा हो गया, कुछ नहीं कर सकता। जब परिवार के माता पिता या अपने ही बड़े बुजुर्ग लोग नातान जैसे आईना बनकर हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें सुनना है क्रिस्त में, प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की वाणी किसी से, किसी के रूप, किसी के द्वारा, किसी के रूप में हम तक आ सकती है। योहन का सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं सामारी स्त्री के बारे में, जो याकूब के झरने के पास क्या कर रही थी? पानी भर रही थी, और जैसे प्रभु ने पानी को पिया, उसे धन्यवाद दिया और कहा तुम्हारे पति को बुला के ले आओ। क्या कहा? तुम्हारे पति को बुला के ले आओ। तो सामारी स्त्री ने क्या कहा? मेरा कोई पति नहीं है। तब यीशु ने कहा हाँ, तुम्हारा कोई पति नहीं है, अब तक 5 हो चुके हैं लेकिन तुम्हारा कोई पति नहीं है, लेकिन अब जो है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। प्रभु यीशु उस पापिनी सामारी स्त्री के जीवन में आईना बनकर खड़े होते हैं, और तब वो एहसास करने लगती है उसके जीवन की जो कमियां हैं, जो पाप हैं। प्रभु भी जब हमारे जीवन में आते हैं, पाप को दिखाने नहीं आते हैं, हमें चंगा करने आते हैं, हमारी भलाई करने आते हैं, हमें हमारी रक्षा करने आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने आते हैं। वो आईना बनकर हमारे हाथों को पकड़कर, जैसे छोटे बच्चे को एक माता पिता उसकी उंगली पकड़कर चलाते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमारे जीवन में आईना बनकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु को हमारे जीवन का आईना बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं? लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 1-8 में हम लोग पढ़ते हैं गेनेसरेत के झील के बारे में। वहां पर क्या होता है? शिष्य जो है जाल को धो रहे थे, रात को मछली पकड़ने गए थे। दिन में जाते हैं कि रात को जाते हैं मछली पकड़ने? कब जाते हैं? रात को जाते हैं। तो वो दिन में जाल को धो रहे थे, और जब शिक्षा देने के बाद प्रभु यीशु ने नाव में बैठकर कहा चलो नाव थोड़ा आगे ले जाओ और गहरे पानी में जाल डालो। अब सिमोन जो है मछुआ था, उसे पूरा ज्ञान था कि कब मछली पकड़ना है, कब नदी में जाल डालना है, कितने गहरे पानी में डालना है, सब कुछ पता था। और अब दिन में प्रभु कह रहे हैं गहरे पानी में जाल डालो। तब वो कहता है प्रभु आपके कहने पर मैं जाल को डालूंगा, आपके कहने पर, विश्वास देखिए। और जैसे ही उन्होंने जाल डाला, इतनी मछलियां उसमें फंस गईं कि उन्होंने अपने साथियों को बुलाया, और जब मछलियों को उसमें भरा तो नाव क्या होने लगी? डूबने डूबने को लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 8 में सिमोन पेत्रुस क्या कहते हैं? प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी मनुष्य हूं। आप ही ईश्वर हैं। मैं जानता था कि जो ज्ञान मुझ में है सब कुछ मैं जानता हूं, नहीं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च परमेश्वर हैं,
आपके सामने मैं कुछ नहीं हूं। जैसे ही प्रभु यीशु सिमोन पेत्रुस के जीवन में आईना बनकर खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि वह कौन है और क्या है। आज हम सभी इस मंदिर में 3 दिन की आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए आए हैं, आज से लेकर कि मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी तनाव है, परेशानियां हैं, पाप है, पीड़ाएं हैं, कमजोरियां हैं, बीमार हैं, सब कुछ प्रभु को समर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज हम प्रभु को हमारा आईना बनाने के लिए हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है, क्या आप तैयार हैं? इसीलिए कलीसिया ने हमें यह 40 काल दिया है ताकि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। लेंट 40 क्या होता है? 40 का अर्थ यही है, बदलाव लाना, परिवर्तन लाना, नवीन बनना, एक नया सोच को रखना, यही 40 होता है। और 40 का ग्रीक अनुवाद है मेटानोया, यानी कि बदलाव लाना। लेकिन हिब्रू भाषा में इसका अर्थ थोड़ा सा अलग होता है। हिब्रू भाषा में इसका अर्थ होता है यू टर्न लेना। यू टर्न आप जानते हैं ना, आगे जाके घूम के फिर वापस आना। कहीं बार हम भाग जाते हैं अपने जीवन में, भाग दौड़ के जिंदगी में प्रभु को भूल जाते हैं। आजकल ऑनलाइन हो गया मिस सब, फादर पूछते हैं क्यों आए नहीं आए, फादर ऑनलाइन में देख लिया, रिट्रीट क्यों नहीं किया, ऑनलाइन में हो गई, सब कुछ ऑनलाइन, खरीदना भी ऑनलाइन, बेचना भी ऑनलाइन, देखना भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, भटक गए हम लोग। इसीलिए ये 40 काल में हमें समय दिया है, मत भागो, यू टर्न लेके मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम डरो नहीं, बस मेरे पास आओ, समय दो। यही गेस्सेमनी बारी में प्रभु येसु ने शिष्यों से कहा था, क्या मेरे लिए कुछ समय प्रार्थना नहीं कर सकते हो? क्या मेरे लिए अपना कुछ समय नहीं दे सकते हो? आज वही ईश्वर हमसे यही कहता है, जितना समय आप दोगे उतना 3 गुना ज्यादा समय मैं आपको दूंगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15:10 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पापों के लिए रोता है, पश्चाताप करता है, ईश्वर के दूत उस पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। जो पूर्ण रूप से पश्चाताप करता है, पाप स्वीकार करता है, उसके लिए स्वर्ग राज्य में स्वर्ग दूतों द्वारा आनंद मनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम तैयार हैं इस 3 दिन के आध्यात्मिक साधना में भाग लेते हुए अपने आप को तैयार करें, पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें, ताकि हम पुनरुत्थान प्रभु येसु को देख सके, उस प्रभु के दर्शन को पा सके। यही हमारी प्रार्थना हो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।